हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं स्टार्ट आपको कर रही हूँ नया टॉपिक, रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी। अब रोग प्रतिरोधी किस्म क्या होती है कि जब कोई पौधा है उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है, कोई संक्रमण होता है, तो वो संक्रमण ना हो, वो इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम ऐसी टेक्निक करते हैं। और जो ये वैरायटी बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधी या डिजीज रेजिस्टेंस। और इसका मुख्य जो उद्देश्य या ऑब्जेक्ट यही है, क्योंकि इन बीमारियों से ये मान के चलिए 20% से लेके 100% तक जो है कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो कि ये नुकसान से हमें बचना है, फिर उसके बाद में हमारे, अगर हम नुकसान से बचेंगे तो प्रोडक्शन या उत्पादन ज्यादा होगा और हमारी जो भी उसमें नेचुरल या प्राकृतिक गुण है वो भी हमें मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा फायदे होते हैं कि इसमें हमें पैसा भी कम लगता है, हमारा लेबर भी कम लगती है और प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होता है, हमें जो भी उसके गुण वगैरह हैं, कैरेक्टर वगैरह हैं, वो भी हमें ज्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इस पादप प्रजनन द्वारा रोग प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा रखा है, पूसा स्वामी या परभनी क्रांति, ये भिंडी की एक वैरायटी है जिसे अपन, आपको कभी नाम मिलेगा ओकरा, तो भिंडी को हम साइंटिफिक रूप में ओकरा बोलते हैं। और एक और वैरायटी है पीत मोजेक वायरस प्रतिरोधी किस्म, ये भी भिंडी की है, जिसमें कि येलो वेन वायरस के लिए इसका निर्माण किया गया। अब देखो, इसका जो ये जो इस तरीके की हम किस्म बनाते हैं, तो इन किस्म में भी वैसे ही स्टेप्स या चरण लेते हैं जो कल मैंने आपको बताए थे, कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमें लक्षणों का चयन करना है, यानी वांछित लक्षणों का चयन या सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल, यानी कि हमें देखना है कि हमें कौन सा गुण लेके, कौन सा करेक्टर लेके हमें काम करना है। तो हम जो पेरेंट्स यूज करेंगे वो हमारे वांछित या डिजायरेबल करेक्टर वाले होने चाहिए। फिर उसके बाद में हम एक दो पीढ़ी तक उनका क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तो ताकि हमें पता लगे कि जो हमने यहाँ पर लक्षण लिए हैं वो सही हैं। तो 3-4 जनरेशन तक, पीढ़ियों तक हम उसके बीच में संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और उसके बाद में जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हम उसका सिलेक्शन करेंगे या टेस्टिंग करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि हमने जो लक्षण लिया था वो यहाँ पर सही है। फिर उसके बाद में जब हमारी नई किस्म बन जाएगी तब हम उसको क्या करेंगे, हम उसका फिर टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करने के बाद में हम उसे पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके के 4 स्टेप आपके बुक में दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमें वांछित लक्षण को पहचानना है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर। दूसरा स्टेप हमारा है कि जब हमने इनका सिलेक्शन कर लिया इन कैरेक्टर्स का, तो उन पेरेंट्स के बीच हम क्या करवाएंगे, संकरण कराएंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिलेक्टिव पेरेंट्स। फिर उसके बाद में जो थर्ड है उस इसमें जब हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो हमें हाइब्रिड्स मिले, संकर मिले, तो उन संकर पादपों का हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है और उसका इवोल्यूशन करना है, मूल्यांकन करना है, यानी जो संकर पादप हैं उनका चयन और मूल्यांकन, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। जब इसमें भी हमारे सही हो गया तब हमारा फोर्थ स्टेप होता है नई किस्म का परीक्षण और विमोचन, यानी कि टेस्टिंग करनी है हमें नई वेराइटी का और उसके बाद में उसको पब्लिश करना है। तो इस तरीके के 4 स्टेप हैं वो हमें यहाँ पर लेने। अब देखो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिए हुए हैं और ये कभी कभी पूछे भी जाते हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है आपके बुक में वो है गेहूं की हिमगिरी किस्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल में दिख रहा है आपको कि गेहूं है, उसकी हिमगिरी है, और ये किसके लिए बनाई गई है, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट हिल बंट, ये इसकी डिजीज थी और इस डिजीज से रेजिस्टेंस करने के लिए ये बनाई गई थी, जिसे हिंदी में बोलते हैं पर्ण व धारी किट
तथा हिल बंद रोग प्रतिरोधी। तो ये इस तरीके की इसको किस्म बनाई गई। फिर उसके बाद में है सरसों की पूसा स्वर्णिम किस्म, ब्रेसिका क्या कहलाता है। आपको पता है कि सरसों का या मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, तो यहाँ पे ब्रेसिका सरसों है और उसकी जो नई किस्म बनाई गई वो कौन सी है, पूसा स्वर्णिम, जिसे काला राई भी बोलते हैं। और ये जो है व्हाइट रस्ट यानी श्वेत किट रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है। फिर उसके बाद में जो थर्ड है वो है फूल गोभी का पूसा शुभ्रा किस्म, और एक और है इसमें आपके पूसा स्नोबॉल K1। तो ये गोभी या कॉलीफ्लावर की वैरायटी है और इसको किस लिए बनाया गया, ये जो बीमारी होती है वो होती है कृष्ण विलगन या कुंचित अंगमारी प्रतिरोधी, यानी ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, इस डिजीज के लिए इनको प्रतिरोधी या रेजिस्टेंस बनाया। उसके बाद में फिर है लोबिया की पूसा कोमल, लोबिया को इंग्लिश में बोलते हैं काउपी, तो ये काउपी की पूसा कोमल है और इसको किसके लिए बनाया गया है, जीवाणु की अंगमारी प्रतिरोधी किस्म यानी बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज होती है उसके लिए यहाँ बनाया गया है। फिर उसके बाद में अगली है चिली यानी मिर्ची की पूसा सदाबहार, और इसको बनाया गया है चिली मोजेक वायरस या टेबेको मोजेक वायरस या लीफ कर्ल। तो इसमें ये तीन बीमारी हैं, इन तीनों बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधी या डिजीज रेजिस्टेंस के लिए इनको यहाँ पे बनाया गया। तो ये इस तरीके की कुछ नई वैरायटी हैं जिनको डेवलप किया गया है, और ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन या तो क्रॉप के नाम से या वैरायटी के नाम से आते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट मेथड है वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग यानी कि उत्परिवर्तन प्रजनन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कभी कोई म्यूटेशन मतलब होता है अचानक कोई सडन चेंज हो जाता है, अचानक कोई चाहे तो जंतु हो चाहे पौधे हैं उनके लक्षणों में अगर अचानक कोई परिवर्तन हो जाए तो उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और ये आनुवांशिक हो जाता है यानी हेरिडिटिकल होता है, ये नहीं कि एक जनरेशन में आगे तक ये जनरेशन में चलता रहता है। तो वैसे तो जो म्यूटेशन है वो हानिकारक है, लेकिन हम म्यूटेशन ब्रीडिंग से कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर यही किया गया है कि इसके लिए कुछ ऐसे रसायन जैसे कुछ जैसे ईथर है, अल्कोहल है, इस तरीके के केमिकल्स यूज किए जाते हैं, गामा रेज गामा विकिरण इनको यूज किया जाता है, और इनका उपयोग करके ऐसी जो वैरायटी डेवलप की गई जो कि लाभदायक है। अब इसमें अगर आप एग्जांपल देखो तो आपके बुक में दिया हुआ है मूंग की पीत मोजेक वायरस, यानी मूंग जो होता है मूंग की दाल उसमें येलो मोजेक वायरस के लिए बनाई गई म्यूटेशन से। और ये जो है एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं चूर्णी लासिता या पाउडरी मिल्ड्यू, तो उसके लिए जो है डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनाएगी। फिर उसके बाद में हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब अपने को जैसे आप क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हो तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बनाए गए, जैसे बीटी कॉटन है या हिरुडीन वाले जो एग्जाम्पल आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े हैं, तो इस तरीके के वहां पर बहुत सारे जो है एग्जाम्पल अपने पास में प्लांट्स के हैं। अब देखो एक और मेथड है पीड़क या नाश कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास। इससे पहले हमने जो डिजीज रेजिस्टेंस ली थी वो सूक्ष्म जीवों की ली थी कि जो जीवाणु विषाणु कवक यानी बैक्टीरिया वायरल और फंगस इनके कारण अगर डिजीज होती है। अब हम डिजीज वो ले रहे हैं जो कि इंसेक्ट के कारण हो रही है यानी कि कीट के कारण हो रही है। तो ऐसी जो किस्में होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, नाशी कीट प्रतिरोधी किस्म या इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज।
और इसमें भी हम वही सारी चीजें यूज करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर सिलेक्शन है, फिर हाइब्रिडाइजेशन है, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है। यानी इन सारे मेथड के थ्रू हम ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं जिनसे कि इंसेक्ट के कारण जो रोग होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें भी क्योंकि बहुत सारी आपको पता है कीटों से नुकसान पहुंचता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ साथ में क्वालिटी या गुणवत्ता भी इसकी यहाँ पर बढ़ेगी। अब यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखो, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है ब्रेसिका का, अभी मैंने आपको सरसों बताई थी, तो उसी तरीके से ये ब्रेसिका है, रैप सीड मस्टर्ड, और इसकी जो वैरायटी है वो है पूसा गौरव। और ये किसके लिए बनाई गई? एफिड्स के लिए। एफिड्स क्या होते हैं? छोटे जो, जिसे जैसे मोइला आप जानते हो सरसों में लगता है, तो उस तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। फिर जो दूसरी वैरायटी है वो है फ्लैट बीन, और इसकी जो वैरायटीज बनाई गई वो है पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3। ये बनाई गई और किसके लिए बनाई गई है? जैसिड, एफिड एंड फ्रूट बोरर, ये कीटों के नाम है, इन कीटों के लिए इसको बनाया गया। फिर तीसरा है ओकरा या भिंडी, उसकी बनाई गई है पूसा स्वामिनी और पूसा A4, और इस ये भी किसके लिए? सूट एंड फ्रूट बोरर, यानी कि जो तना और फल भेदक कीट होते हैं उनके लिए यहाँ पे बनाई गई। तो इस तरीके से जो है, जैसे जीवाणु वगैरह के लिए, ऐसे कीटों के लिए भी यहाँ पे कई चीजें बनाई गई। अब यहाँ पे देखो, एक और एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है, उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी खाना खा रहे हैं और उसमें अगर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, पोषकता नहीं है, तो उस खाने का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए जो है, ऐसी किस्मों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें कि पोषक, संतुलित और पर्याप्त आहार हो। ठीक है, तो इस तरीके की ये किस्में भी जो है आजकल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू की जा रही है। अब यहाँ पे देखो, एक नाम आपने सुना होगा कुपोषण। तो कुपोषण क्या है? माल न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन अगर हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है तो शरीर में विकास या वृद्धि नहीं होती। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? कुपोषण। और हमारे इंडिया में ये कंडीशन बहुत ज्यादा है, और अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो 840 मिलियन जो है, 840 मिलियंस लोग बाग जो हैं, इस कुपोषण के कारण क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो यहाँ पर ये अपने को ध्यान रखना है कि हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन है, उसमें विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, इनकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। और इसी के लिए आजकल एक नया जो फूड है वो बनाया जा रहा है, और इसे हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, यानी जैव पुष्टिकरण। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना कि जब हम अपने फूड में जो है क्वालिटी को बढ़ाते हैं, प्रोटीन है, ऑयल है, विटामिन है, और जो भी हमारे मैक्रो और माइक्रो यानी सूक्ष्म और वृद्ध जो है न्यूट्रिशन होते हैं, इन सबको अब जब हम बढ़ाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? जैव पुष्टिकरण या बायो फोर्टिफिकेशन। अगर आज कल आप देखोगे तो आटे वगैरह या गेहूं अगर आप लेने जाते हो तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी है। अब देखो, इसके लिए जैसे मान लीजिए, हमारे पास में बुक में कई एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, उसने कई इस तरीके की जो है सब्जियां और बनाई हैं जिससे कि हमें इन सारे न्यूट्रिशन पूरे हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि गाजर है, पालक है, इनमें जो है विटामिन ए होता है, लेकिन और भी इसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया गया। फिर हमारे पास में सरसों है, टमाटर है, इनके अंदर भी जो है विटामिन सी को बढ़ाया गया। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में, हालांकि वैसे मटर वगैरह होती है उनमें प्रोटीन होता है, लेकिन और उसकी कंडीशन जो है वो बढ़ाई गई।
अब इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में गेहूं है, वीट है, तो वीट में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ज्यादा होता है, लेकिन इस प्रोसेस से जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया गया। और अगर मक्के की बात करें, मेज की, तो उसमें अमीनो जो एसिड्स होते हैं उनको बढ़ाया गया, ताकि उनमें भी, आपको पता है प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बनते हैं, तो उसमें भी जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई गई। फिर एक एग्जांपल आपके चावल का दे रखा है, धान या पैडी या राइस जिसे अपन बोलते हैं, तो उसमें जो है आयरन को बढ़ाया गया। तो इस तरीके से जो है हमने सब्जियों में और इन सीरियल्स में, दानों में, इन चीजों को बढ़ा के जैव पुष्टिकरण या बायो फोर्टिफिकेशन को आजकल बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया गया है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति, या आपने बहुत पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। तो हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है कि ये मान लीजिए कि 1960 के आसपास जो है बहुत कम फूड प्रोडक्शन होता था, तो उस समय ये विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से जो है उत्पादन को बढ़ाया गया, और ये उत्पादन इतना बढ़ गया कि जैसे मान लीजिए 1960 में जो गेहूं का उत्पादन था वो था 11 मिलियन टन, यानी 11 मिलियन टन था, लेकिन 2000 तक आते आते ये 75 मिलियन टन हो गया, यानी इतना बढ़ गया। उसी तरीके से अगर हम चावल देखें तो चावल का उत्पादन 1960 में था 35 मिलियन टन, और जबकि 2000 में अगर आप देखोगे तो ये हो गया 89.5 मिलियन टन। तो इतना ज्यादा जो वास्ट डिफरेंस या इतना अंतर होने के कारण इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति। अब अगर अपन देखें तो इसमें जो विश्व या वर्ल्ड लेवल पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो अगर हम विश्व की दृष्टि से देखते हैं तो इन्होंने बहुत सारा काम किया, इसलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। और अगर हमारे इंडिया के नाम में देखें तो MS स्वामीनाथन ये हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया था, इसलिए इनको इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। और वर्ल्ड लेवल पे हम किसको लेते हैं, नॉर्मन ई बॉरलॉग, तो ये यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने जिस वैरायटी को डेवलप किया था वो वैरायटी कौन सी थी, वीट की सेमी ड्राफ वैरायटी, यानी कि गेहूं की अर्ध वामन किस्म, वामन मतलब होता है बोना, यानी कि इन्होंने जो है गेहूं की बोनी किस्म तैयार की। और वो इसलिए तैयार की क्योंकि इनको पता था कि जब हम पौधा इतना लंबा है तो उसका कोई यूज नहीं है, तो इन्होंने छोटे और कम समय में ऐसी बोनी किस्में तैयार की गई कि जिससे कि उत्पादन में भी हमें अधिकता मिली। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का जो पहला एग्जाम्पल है वो किसका है, गेहूं की अर्ध वामन किस्म जो नॉर्मन ई बोरलॉग ने तैयार की थी। और इन्होंने जहां, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि कहाँ ये तैयार की गई थी, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज, और ये मैक्सिको में स्थित है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और हमारे इंडिया में जो है 1963 में, मैं आपको दो यहाँ वैरायटी बता रही हूँ, सोनालिका और कल्याण सोना, इन किस्मों को तैयार किया गया। और ये जो किस्म थी ये भी कैसी थी, सेमी ड्रॉफ, यानी छोटी थी, ताकि की प्रोडक्शन यहाँ पर हमें ज्यादा मिल सके। फिर उसके बाद में देखो दूसरा एग्जाम्पल है राइस का, धान का, इसमें भी सेमी ड्रॉफ या अर्धवामन किस्म तैयार की गई, और ये कौन सी थी, IR8, और ये किसने तैयार की गई थी, ये की थी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और IRRI, और ये थी फिलीपींस में, और ताइंगचुंग नेटिव ये भी है वैरायटी जो ताइवान में तैयार की गई थी 1966 में। तो ये वैरायटीज हैं अर्धवामन। और जब हमारी इंडिया की बात आती है तो जया और रत्ना,
ये दो सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज डेवलप की गई थी किसकी, राइस से। तो इन दोनों वैरायटी से यानी चावल और गेहूं की इन दोनों वैरायटी से इतना ज्यादा प्रोडक्शन में अंतर आया था कि उसको हमने क्या नाम दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। अब देखो यहाँ एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है गन्ने का। गन्ने का आपको पता है कि हम शुगर या चीनी बनाने के लिए गन्ने को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दो वैरायटी है, एक तो है हमारे पास में सैकेरम बर्बरी। ये जो वैरायटी है ये वैरायटी हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत है, वहां पे जो है अडेप्टेड है यानी अनुकूलित है उस एनवायरनमेंट की। और इसका जो स्टेम होता है वो बहुत पतला होता है और इसमें पतले होने के कारण इससे जो शुगर है, जैसे यहाँ लिखा है पुअर शुगर कंटेंट, यानी कि इससे चीनी कम मिलती है। फिर हमारे पास में जो दूसरी वैरायटी है वो है सैकेरम ऑफिसिनेरम। ये जो वैरायटी है ये साउथ इंडिया में ज्यादा मिलती है और इसमें आप देखो कितना मोटा इसका स्टेम है तना, और इसमें भी जो है शर्करा जो है हाई शुगर कंटेंट, जैसे थिकर स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट। तो ये दोनों को मिला के जो है एक नई वैरायटी डेवलप की गई, हाइब्रिड, इसका नाम कुछ नहीं दिया गया, हाइब्रिड शुगर केन कहा गया। और इसके अंदर हमें सारे के सारे, तो इन दोनों से जो हाइब्रिड हमें प्राप्त हुआ वो है सैकेरम साइनेंसिस। और इसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, यानी कि ये हमारे जो कहना चाहिए नॉर्थ या उत्तरी भारत है उसकी जलवायु से भी ये अनुकूलित है यानी अडेप्ट है वहां पे, और इसका तना भी मोटा है और इससे हम शर्करा या शुगर भी ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब देखो एक और लास्ट में आपको एग्जाम्पल दे रही हूं कि यहाँ पे रेफेनस, रेफेनस मतलब कि मूली, और ब्रेसिका मतलब सरसों, यानी इन दोनों से एक नई वैरायटी डेवलप की गई और वो होती है रेफेनो ब्रेसिका। तो इस तरीके से ये इसीलिए बनाई गई ताकि हमारे पास में इन दोनों के लक्षण यानी मूली और सरसों दोनों के लक्षण इस के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखो प्रोसेस कि 18 क्रोमोसोम है दोनों के ही, और उनसे हमने एक नई वैरायटी डेवलप की। और यहाँ पर इसके जो क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि ये टेट्राप्लॉइडी है, अभी अपन बाद में अभी देखेंगे, अभी तो सिर्फ आप ये ध्यान रख लो कि ये 4n वैरायटी होती है, 18 18 होके 36, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राप्लॉइडी। तो इस तरीके से जो है ये रेफेनो ब्रेसिका को बनाया गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप प्लांट ब्रीडिंग में कर लो चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन में कर लो, एक दो क्वेश्चन इसका जरूर छोटे में आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।